Praise the Lord to everyone and uh, good evening to everyone who attends this Bible study hour at Life Spring Assembly. आप आज की शाम and, में आप सबको जय मसीह और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूं वे सब जो इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हुए दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट बिकॉज़ द नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड विल हेल्प अस

Uh, uh, like विधवाओं के विषय में, में, में और ऐसी कई सारी और बातें जो एक विवाहित जीवन में है एंड इन आवर लास्ट स्टडी और हमारे पिछले अध्ययन में वी कंक्लूडेड लास्ट स्टडी बाई मेकिंग दिस स्टेटमेंट बी फेथफुल इन यूर कंडीशन ऑन दिस को कहकर अपने पिछले मनन को विराम दिया था कि जिस भी परिस्थिति में आप इस पृथ्वी पर हैं उसमें आप बने रहें। if you are married, married. अगर आपकी शादी हो चुकी है तो विवाहित रहे और अगर आप गैर अविवाहित हैं तो अविवाहित रहे रिमेन अगर आप विधवा है तो आप विधवा ही बने रहे आर यू इट इज पॉसिबल गेन यूर फ्रीडम और अगर आप दास है तो आप दास बने रहें और अगर संभव हो तो आजादी या स्वतंत्रता को पाए अन्यथा दासी बने रहे इफ यू आर फ्री डोंट ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट फ्रीडम हो कि उस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए आप पाप के बंधी ना बन जाएं। So in other words, all have to serve God and serve Christ anywhere in any condition। और इसलिए दूसरे शब्दों में हर एक को परमेश्वर की सेवा करनी है या प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है हर समय और हर परिस्थिति में एंड ईच मैन इज रिस्पांसिबल टू गॉड शुड रिमेन फेथफुल टू गॉड इन द सिचुएशन ही इज इन और इसलिए हर एक मनुष्य को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है हर एक उस परिस्थिति या स्थिति में जिसमें परमेश्वर ने उसे रखा है टिक और आज के शाम हम एक दूसरे से भाग की शुरुआत करेंगे अनमेरिड क्रिस्टियन वर्जन और किसके एक सवाल वहाँ उठता है कि ऐसी स्त्रियों या ऐसी बहनों के संग क्या किया जाए जो आविवाहित हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है

We will read in Hindi. और हम हिंदी भाषा में मैं से आपके लिए पढ़ूंगा कुवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे hmm. यदि तेरी पत्नी तेरे, 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 तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर और यदि तेरा पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर hmm. परंतु यदि तू विवाह भी कर ले तो पाप नहीं और यदि कुवारी बिहाई जाए तो भी कोई पाप नहीं परंतु ऐसो को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ <laughs> हे भाइयों मैं यह कहता हूँ कि समय कम कि, समय कम किया गया है इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वो वैसे ही हो मानो कि उनकी पत्नी नहीं और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, नहीं। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ ना कि तुम्हें फंसाने के लिए वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे इसमें पाप नहीं वह उसका विवाह होने दे परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा वह अच्छा करता है इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है अब जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है परंतु केवल प्रभु में परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है Amen. Amen. May the Holy

of a Christian singles and widows. और ये वचन का ये भाग बात करता है मसीही कुवारियों के विषय में और साथ ही साथ उन विधवाओं के विषय में Because singles who are not getting any younger. और ये ऐसे कुवारियां जिन्हें पति नहीं मिल रहे हैं

बातों के विषय में नहीं दिया है एंड बिकॉज देर इज नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लॉर्ड और क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई सिद्धांत या दिशा निर्देश नहीं मिला ऑल गिव हिज काउंसिल एज वन थॉट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड तब पॉलिस अपनी ओर से एक परामर्श कुरंत के Amen. विश्वासियों को देता है ऐसे जो कि जिसको पवित्र आत्मा से वो प्राप्त करता है वाइल गॉड डिट नॉट गिव डायरेक्ट कमांडमेंट और जबकि परमेश्वर ने सीधी रीति से कोई व्यवस्था कानून या नियम नहीं दिया गवर्निंग दिस मैटर इस बात को लेकर लेकिन पॉलिस फिर भी अपने न्याय को वहां पर बताता है एंड द रीजन इज और कारण ये है नंबर वन पहला he had the mercy of the Lord, क्योंकि उसने परमेश्वर से दया को पाया था Paul knew the Lord was with him. और पॉल उस ये जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है. And he knew the intimacy and the presence of the Lord and of His will. और वो जानता था कि परमेश्वर के संग एक व्यक्तिगत और गहरा रिश्ता कैसा होता है और उसकी इच्छा क्या क्या है? He was called to be faithful to the lord और उसे बुलाया गया था कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बना रहे। and he would be faithful

फैक्ट और इससे पहले की हम वचन के इस भाग में जाकर बातों को देखें आप एक और बात को ध्यान लगाए द वर्ड वर्जिन इज यूज टू रेफर द वर्ड वर्जिन इज यूज टू रेफर ओनली टू वीमेन और याद रखिए कुंवारी जो शब्द है इस वचन के इस भाग में वो सिर्फ स्त्रियों को लेकर उसको संबोधित किया गया है However, लेकिन फिर भी द वर्ड सम्स यूज्ड टू रेफर बोथ लेकिन वचन में इस शब्द कुवारी या कुवारापन दोनों ही लिंगों को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया गया है एस इट इज Uh, it is the case in this passage. और जैसा की हम वचन के इस भाग में देखते हैं वर्ड वर्ज एन रेफर्स टू बोथ फीमेल एंड मे और वचन के इस भाग में जब कु शब्द का प्रयोग किया गया है एक उसका मतलब दोनों लिंग उसमें सम्मिलित है पुरुष और महिला द्सप्रेसेस चार अपनी चिंताओं को व्यक्त करता है नंबर वन पहली कंसिडर द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड कि संसार की वर्तमान की स्थिति और दुख को समझो वर्सेस ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट और वचन छब्बीस 27 और 28

और वचन २९ से लेकर इकतीस तक नंबर थ्री तीसरी बात बी एंड डिस्ट्रेसिंग केयर और बिना किसी चिंता और बिना किसी निराशा के संजीव वर्सेस थर्टी टू टू थर्टी फोर बत्तीसवे वचन से लेकर चौतीसवें वचन तक नंबर फोर और चौथी बात गिव अनडिवाइडेड अटेंशन एंड डिवोशन टू द लॉर्ड कि परमेश्वर को

कारण है कि इसलिए एक कुरे को चाहे भले ही वो पुरुष और महिला क्यों ना हो जैसा वो है वैसा ही बने वी आर गोइंग टू कंस दिन बाई वन और एक एक करके हम इन पांचों बातों पर अपने अध्ययन को करेंगे सो दंबर वन पहली बात द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं द फर्स्ट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड जो पहली चिंता पॉलिस प्रेरित की है वो है संसार के वर्तमान में जो स्थिति है कलेश की इट इज ओप दरिंडियन फेसिंग सम terrible and depressing crisis और ये बड़ा निश्चित ही है कि कुरिन्थ की कलीसिया में भी कई प्रकार से विपत्तियों का सामना वो कर रहे थे कई प्रकार के कलेश मौजूद थे what was it वो क्या थे we do not know हमें नहीं पता but it it probably was the threat of severe persecution लेकिन मुझे पूरी आशा है कि एक बड़ा सताव का एक डर था the persecution from

वर्ड फॉर क्राइसिस और कलेश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया the Greek है. Word is anake, और जो यूनानी शब्द है वो है अनाखे, it is a strong word referring to calamities. और एक कठोर शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है विपत्ति और दुविधाओं को दर्शाने के लिए इट इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब surrounding द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस वो ऐसा शब्द है जिसका परा जिसको इस बात को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कैसे वो न्याय दंड और विपत्तियां और आपदाएं आएंगी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा पॉल used दिस सेम वर्ड टू डिस्क्राइब हिज ओन परसिक्यूशन और पॉल उसने इसी शब्द का प्रयोग किया कि वो अपने स्वयं का सताव को दर्शा सके

Four. और दूसरा कुर छठा अध्याय चौथा वचन परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान समान अपने सदगुरुओं को प्रकट करते रहो बट एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड वी कमेंड आवर सेल्व इन एवरी वे बाई ग्रेट इंड्योरेंस इन अफ्लिक्शन हार्डशिप्स कलमिटीज बड़े धैर्य से कलेशों से दरिद्रता से संकटों से सो एंड देन अगेन चैप्टर वर्स दूसरा ग्रंथियो अध्याय दसवें वचन में एक बार फिर से ट्वेल्व वर्स 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 टेन से सेक ऑफ क्राइस्ट देन I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ टू थिंग्स इन लाइट ऑफ द सरकमस्टैंड uh, और वर्तमान के कलेशों को ध्यान में रखते हुए पॉलिश दो बातों को बताता है नंबर वन पहली बात बिलीवर्स रिमेन इन द प्रेजेंट सर कि विश्वासी अपने वर्तमान की स्थिति में बने रहें। as far as their marital condition is concerned. जहां तक उनके विवाहित जो स्तर है उसके बारे में अगर बात करें इफ ए बिलीव इज सिंगल रिमेन सिंगल और अगर एक विश्वासी अकेला है अविवाहित है तो वैसा ही रहे मैरिड रिमेन फेथफुल टू द मैरिज वाउस और अगर एक विश्वासी की शादीशुदा है तो वो अपनी शादी के प्रति विश्वासी योग्य बना रहे सो दर इज इफ यू आर अनमैरिड एंड रिमेन ए सिंगल सिंगल और अगर आप अविवाहित हैं और अकेले कुवारे या कुवारी हैं तो वैसे ही बने रहे मैरिज वाउ तब अगर दूसरा विश्वासी अविवाहित है विवाहित है तो वो अपनी शादी के प्रति विश्वास योग्य बना रहे वन इज नॉट टू अलाउड इन मैरिज रिलेशनशिप टोर्स इज दर और याद रखिये एक वर्तमान की कलिशियों को देख कर अपने शादी शुदा जीवन में अपने साथी को तलाकना दे सो डू नॉट फ्ली फ्रॉम योर कंडीशन और इसलिए अपनी परिस्थितियों से भागे ना इनऑर्डर टू सेव योर लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए एंड लीव योर फैमिली टू बेर द्राइसिस लेकिन अपने परिवार को छोड़ करके उन कलेश और विपत्तियों को अकेले सामना करने के लिए ना छोड़े बताता है एंड सो वट वी रीड देर टू is I think that in view of the present crisis, uh, present distress इट इज गुड फॉर अ पर्सन टू रिमेन एज ही एज मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे आर यू फ्री फ्रॉम अ वाइफ डू नॉट सीक अफ आर यू बाउंड टू अ वाइफ डू नॉट सीक टू बी फ्री आर यू फ्री फ्रॉम अ वाइफ डू नॉट सीक अ वाइफ यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर सो दैट इज द फर्स्ट थिंग और इसलिए वो पहली बात है द मैरिड शुड रिमेन फेथफुल टू द मैरिज लाइफ बिकॉज यू हैव गिवन अ है

Therefore, it is not a sin. और इसलिए इस कारणवर्ष ये कोई पाप नहीं और इसलिए ये भी कोई पाप नहीं जब दो लोग आगे बढ़कर शादी करते हैं But marriage adds more responsibilities and additional care. और शादी शुदा जीवन जो है और जिम्मेदारियों को और ज्यादा जिम्मेदारियों को कंधे पर लाता है Because it involves another life. क्योंकि ये दूसरे जीवन इसमें जुड़ जाता है

Arise in और ऐसे में ही वो कठिन निर्णय लेना का समय आता है And genuine believers who worship the Lord Jesus Christ, और वो सच्चे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं ऑलवेज फेस रिएक्शंस। तब वो जब हमेशा लोगों की ओर से अलग अलग दशाओं की अलग अलग बातों को सुनते हैं। एंड रिएक्शंस एंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड। वो संसार के किसी भी कोने पे क्यों ना हो हर प्रकार का एक uh, धमकाना और डराना वो सहते हैं। इवन टूडे और आज के दिन भी प्रैक्टिकली एवरी प्लेस ऑन अर्थ स्वाभाविक रूप से इस पृथ्वी पर हर एक स्थान पर जो सच्चा मसीह है वो सताव का सामना करता है वर्ड ऑफ द लॉर्ड से जैसे परमेश्वर का बच्चन कहता है एनी वन डिसाइड टू लिव गाइफ विल बी persecuted ऐसे कोई भी जन जो एक भक्ति में और परमेश्वर के संग एक जीवन को बिताना चाहता है वो सताव का सामना करेगा they are often ridiculed और कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है and mocked and cursed और उन पर उन्हें श्राप दिया जाता है ताड़नाएं दी जाती हैं abused and sometimes threatened with violence and death for the testimony द लॉर्ड जीस और कई बार उनका शोषण किया जाता है डराया जाता है धमकाया जाता है कई बार मारा जाता है और यह धमकी दी जाती है कि उन्हें मार दिया जाता है जेन्युआइन बिलीव हुर मैरिज मस्ट मैरिज मस्ट कंसिडर द लव्ड वंस कमिटमेंट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और इसलिए विश्वासी को जो प्रभु का परमेश्वर का विश्वासी है बिकॉज दूमेरी ऑल्सो मस्ट शेयर द कमिटमेंट एंड द फेथफुलनेस टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्योंकि उस उस साथी के संग जिसके संग वो शादी करता है वो भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है और भक्तिमय है सो so इफ believer. और इसलिए अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं। एंड यू आर considering मैरिज और आप शादी करना चाहते हैं मेक श्योर दैट बिफोर द मैरिज यू एक्सप्लेन टू दैट पर्सन यू want टू मैरी what your स्टैंड इज इवन आफ्टर मैरिज कंसर्निंग हर और हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड आप इस बात को सुनिश्चित करें कि शादी से पहले आप उस व्यक्ति को उस स्त्री या उस पुरुष को इस बात को बता दें कि परमेश्वर को लेकर आपका क्या विचार है और शादी के बाद कैसे आपको उसके लिए ही आपके संग खड़ा रहना है। Will he take a stand for the Lord Jesus Christ? क्या वो आपका साथी प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रहेगा? And bear witness

the kind of hostile world that we are living in the people of this, this world does not enjoy a relish the messages that the committed christian has to convey और इसलिए संसार के लोग उन संदेशों का आनंद नहीं उठा पाते जो एक विश्वासी योग्य विश्वासी उठा सकता है परमेश्वर के वचन से there are other calamities और भी और भी सारे उपद्रव या वो आपदाएं हैं that a genuine christian must consider जो कि एक सच्चे मसीही को जिसके विषय में सोचना और विचारना है like what जैसे क्या like a war and hardship जैसे लड़ाइया कठिनाइयाडी कैप और विकलांगता और बीमारियां इकोनॉमिक हार्डशिप और आर्थिक रूप से समस्याएं होस्ट ऑफ आदर पॉसिबल डिफिकल्टी और भी कई सारी और भी मुश्किलें और समस्याएं The believer must make sure that he and his spouse desire to suffer together. थ्रू एनी क्राइसिस और इसलिए इस समझना है कि वो और उसकी पत्नी को प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक कलेश कठिनाई और मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार sure <coughs> उन्हें इस बात को भी सुनिश्चित करना है इन क्राइस्टे okay, उन्हें इस बात को भी सुनिश्चित करना और समझना है कि प्रभु यीशु मसीह में वो सताए जाने के लिए तैयार हैं एक साथ नॉट वीके और डिंग आई द क्राइस्ट और ई चाह न एक दूसरे को कमजोर करना या छोड़ देना प्रभु को ऐसा नहीं It is very, very important. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है so, always remember, और इसलिए हमेशा याद रखिए वर्ल्डिस जबकि संसार ऐसे कलेशों से होकर निकलता है एंड यू वॉन्ट टू गेट मैरिड इन दिडस्ट ऑफ दट दिस क्राइसिस और इन कलेशों के बीच में आप शादी करना चाहते है सिट डाउन एंड काउंट द कॉस्ट अब आप बैठ जाए और उस दा

The present circumstances. की की and and must remain faithful and committed committed to to each other and together committed to the Lord Jesus Christ, विश्वा... no matter what इसलिए विश्वासियों को इस वर्तमान के कलेषो में परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति विश्वासियों के बने रहना है and the second thing to consider is और जो दूसरी बात हमें सोचनी है Uh, one must know the time is short. एक को ये जानना है की समय बहुत कम है okay, सातवा अध्याय उन्तीसवे वचन से लेकर इकतीसवे वचन तक एंड ऑन टू काउंट दिस इज ट्रू और दो बातों के विषय में ये सत्य है टाइम ये हमें समय को जानना है फर्स्ट थिंग अबाउट लाइफ इज पहली बात जो जीवन के विषय की जीवन की दुख और दर्द को समझे और जो दूसरी बात हमें देखनी है लॉ परमेश्वर के आगमन को देखे इन वे ऑफ बोथ देश और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं द्रविटी ऑफ लाइफ और जीवन के दुख और दर्द एंड ऑफ द लॉ जी ये मसीह के आगमन These, these दोनों बातें कभी भी हो सकती है अब हमें और देखना है अ पर्सन नो मैट हाउ स्ट्रॉन्ग फिजिकली ही मे बी और ये मायने नहीं रखता की एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना इज नथिंग मोर देन अरे और वो एक सांस से बढ़कर कुछ भी ज्यादा नहीं है एनी मैन इज ओनली मनुष्य सिर्फ एक सांस का सो देर इज नो गारंटी फॉर लाइफ और इसलिए जीवन का कोई गारंटी नहीं है दैट वॉट है और कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता एंड सो नो बिलीव नोज

Two attitudes are necessary. Number one, an attitude of detachment. In this world, we are living in this world, but we are not of the world. And so we must be prepared and well prepared to leave this world. एनी टाइम और इसलिए हम तैयार रहने चाहिए और अच्छे रीति से तैयार रहना चाहिए कि कभी भी संसार को छोड़कर चले जाएड और इसलिए एक ऐसा स्वभाव कि हम अलग रहें रहे इन दिस लाइफ और, और इसलिए जीवन में हम किसी भी बात को थाम के ना रखे मैनी पीपल ऑफ गोल्ड वो कई लोगों के पास सोना है एंड देर लॉकअप इन दी लॉकर इन दॉकर बैंक और हो सकता है किसी बड़े बैंक में उन लॉकरों में उसे वो रखते हैं फोर्ट किस लिए टू एस्केप फ्रॉम द रॉबरी कि वो किसी प्रकार से चोर उसे चुराने ना पाए और देर आर सो मच प्रॉपर्टी यहाँ कई सारी संपत्तियां हैं अ हाउस और टू हाउसेस यह एक बहुत ही अच्छा और अद्भुत घर देर आर सो मेनी अदर थिंग और कई और दूसरी बातें भी वी आर यूजली गेट सो अटैच की जिससे हम एक साथ जुड़ जाते हैं दैट वी फाइंड इट वेरी इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट टू टू सेट आवर से खुद को अलग रखना हमारे है वहीं तेरा मन भी होगा इसलिए क्योंकि जीवन के संघर्ष और जीवन की श, इस छोटेपन को याद रखते हुए हमें एक ऐसे अलग के स्वभाव को अलगाव के स्वभाव को बना करके के रखना है and, uh, an of from and और एक ऐसा स्वभाव कि हम पृथ्वी की जो बातें हैं परिस्थितियां हैं उनसे खुद को अलग रखें uh, ये कुछ ऐसी बातें हैं इफ वी और अगर हमारे पास एक हमारा we, साथी है we

the joyful experience is over और अगर जो आनंद मनाता है वो ऐसे जिए कि उस आनंद का जो समय था वो समाप्त हो चुका है if we if we buy some item और अगर हम किसी सामान को आज के दिन खरीदें we need to live as though we do not possess them तब हम ऐसे जिए कि वो सामान हमारा है ही नहीं because by nightfall our circumstances may change क्योंकि रात गिरते-गिरते हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं we may be in the other

Constant, uh, लेकिन ये आशा तो उसकी ऐसी ही थी निरंतर वो यही आशा रखता था। He lived expectantly while always planning for the future। और वो हमेशा ऐसे आशा रख के जीता रहा कि ऐसा होगा और और भविष्य की तैयारी और योजना बनाता रहा। Only one thing was necessary। सिर्फ़ एक ही बात की आवश्यकता है। The eye must be directed toward heaven। कि वो आंखें हम अपने स्वर्ग की ओर उठाएं। It all means marriage must be kept in proper perspective. So here are two scripture passages I would like you to take down. एंड रीड एट होम और मैं चाहता हूँ कुछ वचन है जिनको आप लिख लें और अपने घरों में जरूर पढ़े रोमन चैप्टर थर्टीन वर्स लेवन एंड ट्वेल्व और रोमियो की पत्र उसका तेरहवा अध्याय ग्यारहवाचन और बारहवा वचन जेम्स चैप्टर वन वर्स टेन याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय दसवा वचन चैप्टर फोर वर्स फोर्टीन और उसी अध्याय उसी पुस्तक में चौथा अध्याय चौदवा वचन

हमारे पास हमें एक ऐसे स्वभाव को लेकर चलना है की हम इस संसार और इसकी बातों का प्रयोग कहीं रीति से ज्यादा रीति से ना करें और ना ही इसके बातों में हम फंस जाए क्यों

इस बहुत जल्द खत्म हो जाएगी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स विल सून एंड और जो वर्तमान की स्थिति है वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी जस्ट लाइक द सीन्स ऑफ अ फिल्म विल एंड जिस प्रकार से एक पिक्चर के जितने दृश्य हैं वो खत्म हो जाते हैं आई बिलीव वी मस्ट कीप दिस इन माइंड और एक विश्वासी को इस बात को ध्यान में रखना है लाइफ इज

जाते हुए संसार की धन और समृद्धि विलासों के लिए नहीं जिये वी मस्ट लिव फॉर इटर्निटी लेकिन हमें तो अनंत के लिए जीना है एंड ही मस्ट नो टाइम इज शॉर्ट और इस बात को समझना है कि समय बहुत कम है This world is judged. और ये संसार का इस संसार का न्याय किया जाएगा And the world is condemned. और इस संसार का न्याय करके इसे दोषित ठहराया गया है इन you know, read Romans चैप्टर 12, वर्स टू और रोमियो की पत्री उसका बारवा अध्याय दूसरा वचन First John chapter 2 verses 15 and 16 or 15 16 and the second Peter chapter 3 or dusra patras tisra adhyay there is a third thing we will consider today और एक तीसरी बात है जो आज के दिन हमें देखनी है वन मस्ट बी विदाउट एंगजाइटी एंड डिस्ट्रेसिंग केयर्स और एक को बिना किसी डर या निराशा के जीना है रिम्बर याद ये सब सच्चे विश्वासी, हैं। और ऐसे विश्वासी जो बड़े सच्चे रीति से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और बड़ी सरलता और सच्चाई से परमेश्वर को निहारते हैं पॉलिस का तर्क ये है अनमेरिड पर्सन इज लाइकली टू बी कीन प्लीसिंग द लोड की एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहेगा जो एक शादीशुदा व्यक्ति है वो इस बात की चिंता करेगा कि कैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न करे एंड वाइफ keen

डिसाइड टू बी मैरिड और इसलिए एक मसीही को बड़े ध्यान के संग इन बातों को समझना और जानना है जब वो शादी करना चाहता है इफ यू आर कन्विंस्ड और अगर इन दिनों में आपको ये आव मिलता है आई एम नॉट मैरिड और अभी तक शादी नहीं हुई है रिम्बर याद रखिए, टाइम इज वेरी शॉर्ट की समय बहुत निकट है सो वर यू डू और इसलिए आप क्या करना चाहते हैं When you decide to get married, और जब आप इस बात का निर्णय करते हैं कि आप शादी करेंगे यू आर गिविंग अप द प्रिविलेज ऑफ लिविंग अ सिंगल लाइफ तब आप उस सौभाग्य को दे रहे हैं कि आप अब एक अकेला जीवन अविवाहित जीवन नहीं जिएंगे।

क्चुअली प्लीज योअर स्पाउस और तब आपको अपने पत्नी की चिंता करनी है अपने साथी की चिंता करनी उसे प्रसन्न करने के बारे में आप सोचते हैं पहला तिमो थी उस पांचवा अध्याय और आठवें वचन की ओर अगर हम जाए पर इफ एनी वन डॉट प्रोवाइड फॉर हिस्स रिलेटिव एन स्पेशली फॉर मेंबर्स ऑफ हिस हाउस होल्ड ही हैजाइड दर्सिलीवर पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है सो दैट इज द प्रॉब्लम वेन

faithful to the Lord. और ये भी महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने वी ऑल नीड्स ग्रेस ऑफ गॉड टू मेनटेन आवर कंडीशन और हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखें एंड थ्रू दैट कंडीशन वी मे ग्लोरिफाई द लॉर्ड और उस परिस्थिति के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने सो वी नीड द होली स्पिरिट और इसलिए हमें पवित्र आत्मा का आवश्यक नो मैटर व्हाट कंडीशन वी आर ये मायने नहीं रखता कौन सी परिस्थिति से हम निकलते Lord हैं लॉर्ड जीसस और इसलिए हे हमारे प्रभु यीशु टुनाइट वी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस और आज की रात हम धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए हम जानते हैं कि तू हमें देखता है और हमारी चिंता है थैंक यू लोड धन्यवाद पिता मैं स्पिरिट एन एबल और पवित्र आत्मा हमारा the of the, of the Holy हम सबको तेरे पवित्र आत्मा का सेवका चाहिए We give you all the glory and honor and praise. Hum sara God. Ma ko In Jesus' name Yeshuo we pray. Amen. Amen. God bless you, my dear friend. This is online Bible study hour. Aur online Bible ke dwara. God bless you as you continue to, uh, to, to live for the glory of God. You know, if you फॉरगेट समिंगट टोल्ड ही टूडेज बाइबल स्टडी और अगर ऐसा होता है कि आप अध्ययन के दौरान कुछ बातों को लिखना भूल जाते हैं आप दोबारा यूट्यूब पर जाकर उसे देख सकते हैं बट द फर्स्ट टाइम लिसनिंग आपको समझ में नहीं आएगा बट इफ यून लेकिन दूसरी बार जब आप सुनेंगे विद इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इस आशा के संघ की मैं समझना चाहता हूँ यू में डिस्कवर मोर ट्रूथ फ्रॉम दिस इन संदेशों से इन शिक्षाओं से आप और सच्चाइयों को समझ सकते हैं so, सो